हे गाइस नमस्कार, दिस इज आकाश यादव एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय फिटनेस यूट्यूब चैनल द ग्लैडिएटर्स बॉडी स्टील एस्थेटिक्स। तो गाइस, शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन आएगा प्लीज उसे भी प्रेस करना ना भूले। उससे ये होगा कि मेरे आने वाले सभी वीडियोज के अब तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन चले जाएंगे। तो गाइस, जब भी हम बात करते हैं वर्कआउट्स की या एक्सरसाइजेस की, तो ऐसे लोग जो कि इस तरीके की एक्सरसाइज या वर्कआउट को रेगुलर बेसिस पर परफॉर्म करते हैं, डजंट मैटर वो जिम में कर रहे हो या घर पे ही कर रहे हो, तो ऐसे लोगों के दिमाग में या मन में हमेशा से ये डाउट रहता है कि बिटवीन द सेट्स या फिर एक्सरसाइज के बीच में उन्हें कितना रेस्ट लेना चाहिए या फिर कब तक लेना चाहिए। तो गाइस, आज की वीडियो आप लोगों के लिए है और इस टॉपिक के ऊपर है। तो गाइस, जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है या फिर कोई ना कोई मोटिव होता है। हम कोई भी बिजनेस करते हैं या फिर कोई जॉब करते हैं या फिर कोई एक्टिविटी ही परफॉर्म करते हैं, जैसे कि खाना खाना, पानी पीना, किसी से बात करना, कहीं पे जाना, एनीवेन किसी से झगड़ा भी करना, तो ये सारी एक्टिविटीज के पीछे कोई ना कोई मोटिव या फिर कोई ना कोई गोल ही होता है। हम ऐसे ही कोई ना कोई भी काम नहीं करते हैं। सो द सेम थिंग गोज विद योर रेस्टिंग पीरियड ऑल्सो। लाइक जो आपका रेस्टिंग पीरियड होता है वो डिसाइड होता है आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर, जिसको कि आप स्टार्ट करते हो या फिर फॉलो करते हैं टू अचीव सच गोल्स। लाइक अगर गोल्स को मैं कैटेगरीज में अगर डिवाइड करूं तो देर आर फोर टाइप ऑफ गोल्स, जिसको कि अचीव करने के लिए एक स्पेसिफिक इंसान जो है किसी भी जिम में या फिर किसी एकेडमी में जो है एनरोल करता है। सबसे पहला होता है मसल एपोट्रॉफी या फिर फैट लॉस, फिर सेकेंड गोल होता है स्पीड और एजिलिटी, थर्ड गोल होता है स्ट्रेंथ एंड पावर, और जो लास्ट गोल होता है वो होता है फंक्शनल फिटनेस। तो गाइस, जब हम बात करते हैं पहले कैटेगरी की, जिसमें कि लोगों का गोल होता है मसल एपोट्रॉफी एंड फैट लॉस, तो इस टाइप के लोगों को अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बिटवीन द सेट्स कितना रेस्ट लेना चाहिए। तो गाइस, जब हम बात करते हैं पहले कैटेगरी की, तो गाइस इस कैटेगरी में भी दो टाइप के लोग होते हैं। सबसे पहले होते हैं बिगनर्स एंड इंटरमीडिएट्स, देन कम एडवांस एंड बॉडी बिल्डर्स। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या इन दोनों टाइप के लोगों को सेम टाइप का ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करना चाहिए? तो गाइस, द आंसर इज नो। इन दोनों टाइप के लोगों को सेम तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं फॉलो करना चाहिए। इन दोनों टाइप के लोगों के ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो इंटेंसिटी होगी उसमें डिफरेंस होना चाहिए। हाँ, जब बात आती है रेस्टिंग पीरियड की, तो वो चाहे बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो, चाहे एडवांस हो या फिर कोई बॉडी बिल्डर ही क्यों ना हो, इन सभी लोगों को अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बिटवीन द सेट्स 30 सेकेंड्स टू 90 सेकेंड्स के बीच में रेस्ट लेना चाहिए, सो दैट डे बाय डे उनका जो परफॉर्मेंस हो एनहांस हो और आफ्टर सम टाइम्स वो अच्छा वेट लिफ्ट कर सके। हाँ, कुछ ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं जिस दिन दे फील लिटिल बिट लो, उन्होंने सही तरीके का खाना ना खाया हो या ऑफिस में बहुत ज्यादा काम कर लिया हो, जिसके वजह से उनके बॉडी में एनर्जी ना हो, तो इस टाइम पे जो उनका रेस्टिंग पीरियड है वो थोड़ा बढ़ सकता है। बट इन अदर केस दे शुड ट्राई कि जब भी वो एक्सरसाइज कर रहे हो तो रेस्टिंग पीरियड जो है बिटवीन द सेट्स वो 30 टू 90 सेकेंड्स के बीच जितना ही ले, इससे ज्यादा ना ले। तो गाइस, अब बात करेंगे सेकेंड कैटेगरी की, जिसमें कि लोग ट्रेन करते हैं स्पीड और एजिलिटी के लिए। तो गाइस, जब हम बात करते हैं स्पीड और एजिलिटी ट्रेनिंग की, तो गाइस इस टाइप की ट्रेनिंग जो है वो परफॉर्म की जाती है एंड्योरेंस एथलीट्स के द्वारा टू एनहेंस देयर परफॉर्मेंस एंड टू इंक्रीज देयर VO2 मैक्स कंजप्शन, और कैन से मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन इन लेस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, रनर्स, रेस्लर्स, बॉक्सर्स, फुटबॉलर्स, लॉन टेनिस प्लेयर, बैडमिंटन प्लेयर। तो गाइस, जब भी हम बात करते हैं इस तरीके की स्पोर्ट्स की या फिर गेम्स की, तो गाइस इस तरीके की स्पोर्ट्स या फिर गेम्स में परफॉर्म करने के लिए यू नीड टू हैड सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिटनेस लेवल, और उस फिटनेस लेवल को अचीव करने के लिए आपको जो है बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का हार्डवर्क एंड फिजिकल एक्टिविटी जो है परफॉर्म करना पड़ता है मिनिमम ट्वाइस एंड मोर देन 3 times पर डे। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस टाइप की ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को इतना ज्यादा एक्सट्रीम नहीं बना पाता है। उसको इतना एक्सट्रीम बनाता है उसका रेस्टिंग पीरियड, मतलब बिटवीन द सेट्स वो एथलीट्स को इतना कम रेस्ट देते हैं कि वो उतना कम रेस्टिंग पीरियड ही
इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को इतना ज्यादा हार्श और इतना ज्यादा टफ बना, वो क्यों? वो इसलिए, जैसा कि एज आई सेड अर्लियर, ये जो एंड्योरेंस एथलीट्स होते हैं, इनके किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो मेन मोटो होता है या फिर जो गोल होता है, वो होता है टू इम्प्रूव देयर VO2 मैक्स एंड टू पुश देयर VT2 रीजन। लाइक क्या होता है, जब भी आप किसी तरीके का फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो जब आपका जो हार्ट रेट होता है वो VT1 को क्रॉस करता है, तो उस समय जो है आप थोड़ा थकने लगते हैं, आप जो है थोड़ा हाफने लगते हैं। और जैसे ही आपका हार्ट रेट जो है वो VT2 रीजन को क्रॉस करता है, उस समय जो है आप ऑलमोस्ट जो है एग्जॉस्ट हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं। तो जैसे जैसे आप इस VT2 रीजन को पुश करेंगे, वैसे वैसे आपका परफॉर्मेंस एनहांस होने लगेगा, वैसे वैसे आप कम थकने लगेंगे, और जितना ज्यादा आप कम थकेंगे उतना ज्यादा देर तक आप फील्ड में जो है अपना परफॉर्मेंस अच्छी तरह से दे सकते हैं, या और कैसे उतना ज्यादा देर तक आप फील्ड में जो है टिक के खेल सकते हैं। सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो पाती हैं कि एक हार्ट से जो है मैक्सिमम ब्लड पंप करवाना और एक बॉडी में जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर करना, तो गाइज ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती है एक राइट टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम की के वजह से, एंड ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ राइट टाइप ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो गाइज अकॉर्डिंग टू अगर स्टडीज देखा जाए, तो किसी भी एथलीट को अगर अपना VO2 मैक्स इंप्रूव करना है या फिर अपने VT2 रीजन को अगर पुश करना है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे करना चाहिए कि बिटवीन द सेट्स उसे जो है ओनली 30 सेकेंड्स का रेस्ट लेना चाहिए, एंड बिटवीन द एक्सरसाइज उससे खाली 3 मिनट का रेस्ट लेना चाहिए। मतलब वो जो भी जब भी कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करता है, तो उस एक्सरसाइज में जब वो कोई सेट्स परफॉर्म करता है, तो उस सेट्स के बीच में उसे खाली 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेना चाहिए, और उन जब वो उस एक्सरसाइज को खत्म कर देता है, तो जब वो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाने लगता है, तो उस दो एक्सरसाइज के बीच में उसे खाली 3 मिनट का रेस्ट लेना। जब बात करते हैं तीसरे कैटेगरी की, जिसमें कि लोग ट्रेन करते हैं स्ट्रेंथ एंड पावर के लिए और कैसे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के लिए, तो इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो होते हैं ओलंपिक लिफ्टर्स, 100, 200 मीटर, 400 मीटर स्प्रिंटर्स एंड पावर लिफ्टर्स। एंड गाइज ये जो पावर लिफ्टर्स होते हैं, इन्हें जो है हमें पावर लिफ्टर्स से ज्यादा जो है स्ट्रेंथ लिफ्टर्स कहने जो है बुलाना चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि पावर का अगर एक्चुअल डेफिनेशन देखा जाए, तो वो होता है मैक्सिमम मसल कंट्रैक्शन और कैसे मैक्सिमम बर्स्ट ऑफ अ मूवमेंट इन अ लेस टाइम और कैसे परफॉर्मिंग अ मूवमेंट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, जो कि पावर लिफ्टिंग में नहीं होता है। तो गाइज ये सारे टाइप के जो मूवमेंट्स होते हैं और कैसे जो एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि स्नैचिंग, क्लीन एंड जर्क, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर स्प्रिंट, देन 1 RM डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस एंड स्क्वाट, तो इस टाइप के मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो चीज यूज होती है वो होता है ATP। लाइक आप जब आप इस टाइप के मूवमेंट्स को परफॉर्म करते हैं, तो आपकी जो बॉडी होती है वो आपके मसल के अंदर जो स्टोर्ड ATP होती है, जो कि फॉर्म होता है ADP से। अब आप लोग ये पूछेंगे कि व्हाट इज ATP एंड ADP, तो गाइज इन दोनों चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो है मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, ये चीज जो है इस वीडियो में डिस्कस नहीं हो सकती। तो गाइज जैसा कि मैंने कहा कि जब भी आप इस टाइप के एक्सप्लोसिव मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, तो आपकी बॉडी जो होती है, आपके मसल के अंदर जो स्टोर्ड ATP होता है, जो कि ADP से बनता है, जिसे कि हम ATP साइकिल बोलते हैं। तो जब इस मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए जब आपकी बॉडी जो स्टोर्ड ATP होती है, जो आपके मसल के अंदर स्टोर्ड ATP होता है, उसको जब यूटिलाइज कर लेती है, तो अकॉर्डिंग टू स्टडीज जब आपके मसल के अंदर स्टोर्ड ATP एक बार यूज हो जाता है, तो उसको रिफॉर्म होने में या फिर रीजनरेट होने में मिनिमम 3 से 5 मिनट का समय लगता है। तो गाइज इट इज बीन क्लियरली मेंशन दैट इफ यू आर परफॉर्मिंग सच एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स और प्रैक्टिसिंग फॉर दैट, तो एट दैट टाइम यू शुड टेक एटलीस्ट 3 to 5 मिनट रेस्ट बिटवीन द सेट, सो दैट यू कैन गिव योर 100% इन ईच एंड एवरी सेट्स यू आर प्रैक्टिसिंग। तो गाइज अब बारी आ जाती है हमारे चौथे और आखिरी कैटेगरी की, जिसमें कि वो लोग होते हैं जो कि ट्रेन करते हैं फंक्शनल फिटनेस के लिए। तो गाइज फंक्शनल फिटनेस के लिए कौन ट्रेन करता है? फंक्शनल फिटनेस के लिए ट्रेन करते हैं स्पेशल पॉपुलेशन के लोग, ऐसे लोग जो कि किसी तरीके की फिजिकल डेविएशन से गो थ्रू कर रहे हैं या फिर किसी तरीके के प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे हैं, जो कि उन्हें हुआ है किसी एक्सीडेंट के वजह से या फिर एक टाइप के फिजिकल ट्रोमा के वजह से। तो गाइज अब क्वेश्चन उठता है कि उन्हें कितना बिटवीन द सेट्स या फिर बिटवीन द एक्सरसाइज उन्हें कितना रेस्ट लेना चाहिए। तो गाइज इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन, उन्हें
किस तरीके की इंजरी है या फिर वो इस इंजरी से कितने साल से जो है वो गो थ्रू कर रहे हैं, ये उस चीज पे डिपेंड करता है। मुझे पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि उन्हें किस टाइप की इंजरी है या वो कितने साल से उस इंजरी से जो है गो थ्रू कर रहे हैं, या फिर उस इंजरी के लिए वो किस टाइप की मेडिसिन ले रहे हैं और उसके ड्रॉबैक्स क्या है या उसके सिम्टम्स क्या है, मुझे वो पता लगाना पड़ेगा। फिर इन सब के हिसाब से मुझे कंक्लूजन में उन्हें एक स्पेसिफिक और कैन से स्पेशल वर्कआउट मुझे जो है उन्हें कस्टमाइज करके देना पड़ेगा। उसके सेट्स को, उनके रेपिटेशन को जो है मुझे जो है कस्टमाइज करके देना पड़ेगा। और जब बात आती है कि रेस्टिंग पीरियड का, तो वो मुझे जो है उस पर्टिकुलर टाइम पे डिसाइड करना पड़ता है जब वो उस स्पेसिफिक वर्कआउट को जो है परफॉर्म करते हैं। लाइक जब मैं उन्हें वो एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज परफॉर्म करवा रहा हूंगा, तो उन्हें उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में कितनी डिफिकल्टीज हो रही है या फिर पेन हो रहा है, उस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि उन्हें मुझे रेस्ट कितना देना है। डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन। आप इसमें कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं बना सकते। तो गाइज, थैंक यू यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए। एंड गाइज, इस टॉपिक के ऊपर मैंने थोड़ा ब्रीफली और कैसे शॉर्ट में जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो गाइज, अगर आप लोगों को इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए या फिर कुछ और आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जो है मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पर हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कोई ऐसा सजेशन है जो आप मुझे देना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एंड गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और उसके बगल में जो बेल आइकन है प्लीज उसे भी प्रेस करना ना भूलें। एंड गाइज, इस वीडियो को तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव या नेबर है जिस तक आपको लगता है कि ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, तो प्लीज उस तक इस वीडियो को भी शेयर जरूर करें। तो गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का प्लीज पूरा ध्यान रखें। कहीं पे भी जाने से पहले और कहीं से भी आने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइजर से या फिर सोप से जरूर साफ करें। तब तक टेक केयर, स्टे ट्यून, स्टे फिट एंड जय हिंद।